हौसला बारूद रखते हैं, वतन के कदमों में जान मौजूद रखते हैं, हंसी तक मिटा दे हम दुश्मन की, हम फौजी हैं, फौलादी जिगर रखते हैं। नमस्कार, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में एक ऐसे जाबाज सैनिक की बात करेंगे जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में लड़े गए कारगिल युद्ध में दुश्मनों को बुरी तरह से हरा दिया था। सेना ने हर मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को विफल साबित किया। युद्ध में यूं तो सभी जवानों की भूमिका अहम होती है, तभी युद्ध जीते जाते हैं। लेकिन कुछ जवान ऐसे होते हैं जो अपनी बहादुरी की ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो हमेशा मिसाल बनी रहती है। कारगिल में ऐसे ही कई जवान थे जिन्होंने भारत माँ के लिए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया और शहीद हो गए। वे दुश्मनों को पीठ दिखाकर भागे नहीं, बल्कि छाती पर गोली खाना ही ज्यादा बेहतर समझे। ऐसे ही एक जवान थे मेजर राजेश सिंह अधिकारी, जिसने दुश्मन की छाती में गोलियां भर दी। उत्तराखंड के नैनीताल में जन्मे वीर योद्धा मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने अपनी दिलेरी का परिचय देते हुए मातृभूमि के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी। राजेश सिंह अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1970 को नैनीताल में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज से 1987 में हुई। माध्यमिक शिक्षा उन्होंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नैनीताल से की और उसके बाद बीएससी कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल से किया था। जब ये भारतीय सेना में शामिल हुए, उस समय भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल की लड़ाई शुरू हुई। इस युद्ध में भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों के अधिकांश ऊंचाई पर होने की वजह से भारतीय फौज के लिए यह लड़ाई आसान नहीं थी। इस जंग के दौरान सबसे मुश्किल था टाइगर हिल पर दोबारा अपना नियंत्रण पाना और पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाना। चोटी पर चढ़कर दुश्मन को भगाना ही सबसे पहला लक्ष्य था, परंतु वहां पर पहुंचने से पहले तोलोलिंग से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने की योजना बनाई गई और इसकी कमान मेजर राजेश अधिकारी को दी गई थी। 14 मई 1999 को मेजर राजेश अधिकारी 3 सदस्यीय टीमों का केंद्रीय नेतृत्व कर रहे थे, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर तोलोलिंग में बने बंकर को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान दुश्मनों की तरफ से उन पर मशीन गनों से सीधा हमला किया गया और मेजर राजेश अधिकारी ने तुरंत अपनी रॉकेट लॉन्चर टुकड़ी को दुश्मनों को उलझाए रखने का निर्देश दिया और दुश्मन के दो जवानों के सीने में गोलियां भर दी। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची है जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। मेजर राजेश अधिकारी ने इसके बाद बेहद धैर्य से काम लेते हुए मीडियम मशीन गन टुकड़ी को एक चट्टान के पीछे मोर्चा लेने और दुश्मन को उलझाए रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही वह इंच दर इंच बढ़ते रहे। इस दौरान दुश्मनों की भीषण गोलीबारी में वह गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। इसके बावजूद वह अपने जवानों को निर्देश देते रहे और मोर्चे से हटने से मना कर दिया। राजेश अधिकारी ने दुश्मन के दूसरे बंकर पर हमला कर वहां पर मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। उन्होंने तोलोलिंग ऑपरेशन में दो बंकरों पर कब्जा किया था, जो बाद में पॉइंट जीतने में बेहद मददगार रहा। लेकिन दुश्मनों की गोलियों से बुरी तरह घायल मेजर अधिकारी ने 15 मई को दम तोड़ दिया। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले वह दूसरे आर्मी ऑफिसर थे। उनका शव 13 दिनों के बाद बरामद हुआ था। उनकी जेब में पत्नी की तरफ से लिखी गई एक चिट्ठी थी, जिसे उन्होंने पढ़ी नहीं थी। राजेश अधिकारी को इस बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर राजेश अधिकारी आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वीरता के किस्से आज भी हर भारतीयों के दिलों में जिंदा है। इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल भी शहीद मेजर राजेश अधिकारी की वीरता और उनके पराक्रम को तहे दिल से सत सत नमन करता है। इस भारतीय शेर के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। फिर वही बात, इस वीडियो को हर भारतवासियों तक जरूर पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।